ऑर्बिटल थ्योरी का आज हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम मैग्नेटिक बिहेवियर स्टेबिलिटी पर आधारित है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर पर आधारित कुछ प्रॉब्लम यहां करते हैं हम लोग। डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस। मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करना है इन सभी केमिकल स्पेसिस का, O2, O2 प्लस, O2 प्लस प्लस, H2, H2 प्लस। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करने से पहले आपको याद दिला दे कि हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसके पास आउटर कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को डिफाइन करना है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब बस यही है कि आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, कौन रिपेल्ड होगा। तो ये डिपेंड किस चीज पर करता है, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि उस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। यहां पर आप इन सभी का बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये बात अलग है कि आप सभी स्टूडेंट केवल अभी होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल का केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, यहाँ आयन के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत है जो आप बहुत इजी वे में लिख पाएंगे, बस थोड़ा सा जानकारी का अभाव है जो कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां पर हम पहले O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे। O2 जो आप सभी को याद है क्या होता है, σ1s2, ये किस फ्रैगमेंट पर अप्लाई होगा, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2, σ2s2, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2, यही पर के सेकंड का σ2pz2 और π2px2 π2py2, यहां तक याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स है और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब आपके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है तो 1-1 करके आप भरेंगे और ये फिल करते ही आप समझ चुके कि इसके पास अनपेयर्ड है, तो आप लिखेंगे बस इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यही इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं O2 प्लस के लिए। ध्यान देंगे, पीछे ध्यान दीजिए, O2 प्लस का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन करना है तो यहां पर पहले O2 का कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से देखिए, या उससे भी पहले हम ये बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल एलिमेंट का पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो क्या हो जाता है, के प्लस, CA है, दो इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे CA में से तो CA प्लस प्लस। तो यहां पैरेंट मॉलिक्यूल कौन है, O2, और O2 में से आउटर ऑर्बिट से जाकर, आउटर कॉन्फ़िगरेशन से जाकर बस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो आप जब निकालने गए यहां पर O2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप पहले O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो यहां दिख रहा है O2 का कॉन्फ़िगरेशन। O2 का कॉन्फ़िगरेशन में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, या तो इसमें 1 इसमें 0 या इसमें 0 इसमें 1, तो आपके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, या तो पाई एंटीबॉन्डिंग 2px 0 लिखे इसमें 1 लिखे या इसमें 1 लिखे इसमें 0 लिखे। तो इस तरह से आप O2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि अभी भी अनपेयर्ड है, तो अभी भी अनपेयर्ड है तो इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम O2 प्लस प्लस का बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों 0-0 हो जाएगा तो इट इज डायमैग्नेटिक नेचर। बहुत ही इजी है, बस इलेक्ट्रॉन निकाले तो O2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो O2 प्लस हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो O2 प्लस प्लस हो गया। अब H2 प्लस का, तो H2 प्लस का आप देख रहे हैं σ1s2, तो यहां पर अनपेयर्ड नहीं है तो इट इज डायमैग्नेटिक नेचर। अब H2 प्लस, तो आप समझ सकते हैं σ1s1 अनपेयर्ड है तो इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इस तरह से इस टाइप 1 के क्वेश्चन को जो मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करना था वो इजी वे में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन में स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस। तो आपको
स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है O2 का, N2, H2, H2 प्लस स्टेबिलिटी ऑर्डर बल्कि डिटरमाइन करना है आपको, स्टेबिलिटी के आधार पर इन सभी को अरेंज करना है। तो आपको याद दिला दें, जब आप अभी पिछले क्लास में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे थे तो एक स्टेटमेंट लिखवाया गया था, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते चल जाइए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम मान लीजिए, और जिसका सबसे अधिक है उसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक। तो यहां पर क्या बात आ रहा है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखना निकालना होगा, और बॉन्ड ऑर्डर तब तक से नहीं निकालिएगा जब तक से कॉन्फिगरेशन नहीं लिखिएगा। तो आपको पहले कॉन्फिगरेशन लिखना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और अंत में जाकर अगर 5 केमिकल स्पेसिस है तो 5 केमिकल स्पेसिस का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है, जो सबसे लोएस्ट होगा वो सबसे पहले लिखाएगा। सपोज दैट अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर यहां निकालना है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, यहां से हेल्प ले सकते हैं कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर सामने यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग NB यहां से ले सकते हैं 2, 4, 6, 2, 8, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया NB का, और NA टोटल 6। तो यहां पर NB का वैल्यू O2 के लिए NB का वैल्यू क्या हो गया, NB का वैल्यू 10 और NA का वैल्यू 6, तो ये टोटल 10 - 6/2, 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं N2 का, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर शायद लगभग सभी स्टूडेंट को याद है 3। ठीक है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर भी सबको याद है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू याद है 1। H2 प्लस का यहीं पर निकाल देते हैं, H2 प्लस, ये सिग्मा 1s1, तो NB का वैल्यू क्या हो जाएगा, NB का वैल्यू 1 और NA का वैल्यू 0, तो 1 - 0/2, तो हो गया आपका 1/2, और 1/2 का मतलब आप समझ रहे हैं 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो N2 O2 H2 H2 प्लस हो गया, अब O2, उसके बाद क्या है NO। अब यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाला NO है, NO का कॉन्फिगरेशन समझने के लिए आ जाइए, ध्यान दीजिए, N का एटॉमिक नंबर 7 और O का एटॉमिक नंबर, तो 8 और 7 ऐड करेंगे 15 आएगा, जो केस फर्स्ट में आप N2 मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन लिखे थे वो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए था, यहां क्रॉस कर गया उसको, इसलिए आप केस सेकंड फॉलो करेंगे NO के लिए, और केस सेकंड फॉलो करते हुए आप NO का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। NO का कॉन्फिगरेशन लिखवाया जाए केस सेकंड फॉलो करते हुए 15 इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py, दोनों आ गया एक साथ, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, 14 हमने भर दिया है तो 1 है, तो 1 किसी में 1 और 0। और अब NB पता लगाइए, NB 2, इसको चेक किया जाता है, टोटल 10 है, 10 है, यहां से लिया गया है जहां हमने तीर का निशान दिया है, ये 10, और NA का वैल्यू हो गया 2, 4 और 1, 5, यानी 5। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हो गया 10 - 5/2, 5/2, 2.5, तो लगभग सबका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। जल्दी से बताया जाए, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आया H2 प्लस का 0.5, उससे अधिक आया H2 का 1, उससे अधिक आया O2 का 2, उससे अधिक आया NO का 2.5, और सबसे अधिक आया N2 का 3। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर, लेकिन ये आंसर तब तक से नहीं आप लिखेंगे जब तक से बॉन्ड ऑर्डर सामने नहीं निकालेंगे, और तब आप अरेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन था कि NO और CO में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर बता दे कि NO और CO दिया गया था, NO का तो 2.5 आता है और CO का लगभग 3, जब आप निकालेंगे। अब यहां एक चीज और जानिए, CO 8 + 6 = 14, तो यहां आप केस फर्स्ट अप्लाई करते हुए कॉन्फिगरेशन लिखा करेंगे, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां 3 आएगा,
और ये अधिक है इसलिए NO इज लेस स्टेबल देन CO, यानी CO ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो तब जब आप कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, आप खुद चेक करेंगे, तब उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था टाइप 1 टाइप 2 का। टाइप 1 का क्वेश्चन